आपका न्यूज फ्रीडम चैनल कभी भी कहीं भी। देश विदेश में बिजनौर व उत्तर प्रदेश की खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर लॉगिन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज फ्रीडम चैनल और बने रहिए हमारे साथ अपने क्षेत्र की खबर। धान की फसल को काटने के बाद नवम्बर माह के अंत तक गेहूँ की खेती शुरू हो जाती है, जिससे खाद बीज व अन्य सामानों की जरूरत होती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण खाद की जरूरत ज्यादा होती है। नेपाल से सटा जिला होने के कारण हमेशा खाद की अधिक मूल्य व कालाबाजारी के लिए हमेशा जाना जाता है, जिससे किसान हमेशा परेशान होता दिखाई देता है। इस कालाबाजारी व अधिक मूल्य की रोकथाम के लिए SDM सदर व कृषि अधिकारी की संयुक्त टीम ने जनपद के नौगढ़ तहसील के बॉर्डर क्षेत्र की दुकानों पर छापेमारी की, जिसमें 21 दुकानों पर छापेमारी की और 11 दुकानों को अनियमितता के आधार पर कार्रवाई की गई और 3 दुकानों को सीज कर दिया। 3 दुकानों का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है तथा 5 दुकानों पर सैंपल लेकर उनको अग्रिम कार्रवाई तक के लिए छोड़ा गया है। इस छापेमारी को देखकर क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई, जिससे कई दुकानदार अपनी दुकानों को बंद करके गायब रहे, लेकिन किसानों की समस्या अब भी जस की तस बनी हुई है। वहीं किसान बताते हैं कि खाद की कालाबाजारी रुक नहीं रही है, हमें अभी भी अधिक मूल्य पर खाद लेना पड़ रहा है। न्यूज फ्रीडम के लिए सिद्धार्थ नगर सद्दाम खान की रिपोर्ट। दादा आपके नाम का है और कहाँ के रहने वाले हो? छोटे लाल नाम है, अलीगढ़ तो टोला नेतपुर लागत। आप खाद लेके जाते हो? हाँ। खाद आप कितने में लेके जाते हो, कहाँ से लेके जाते हो? बस 1480 में ले जाए थे, यह गौरा सरकारी दुकान से मालिक दुकान है, उनके लड़के का नाम नहीं मालूम। कौन है, कौने मार्ग पे है दुकान? ये बजहा रोड पर है, मतलब गौरा से बजहा। ये सारी कार्रवाई शासन के निर्देश पर पूरे प्रदेश में चल रही है, एक साथ छापेमारी सभी दुकानों पर की जा रही है। इसी के क्रम में यहाँ पर जनपद में 5 टीमें बनी, जिसमें नौगढ़ तहसील में हम और यहाँ के DM साहब और साथ में स्थानीय पुलिस बल के साथ छापेमारी किया गया और 5 दुकानें अनियमितता के कारण सील कर दी गई। 3 दुकानों का लाइसेंस निलंबित किया गया है और 5 नमूने दिए गए हैं। तो सर DAP में जो मिक्सचर मिलावट हो रहा है, जो फर्जी तरीके से बनाए जा रहे हैं, इस पर आपके द्वारा विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई की? इस पर अभी 2 दिन पहले भी बहुत बड़ी कार्रवाई किया हमने, बासी में गोदाम सील किया गया था, नमूने लिए गए हैं, सभी ब्रांड के नमूने लिए गए हैं। प्रयोगशाला से जैसा ही रिजल्ट आएगा उसके आधार पर उनकी टीम बनाकर खाद की दुकानों पर छापेमारी की, छापामारी सिकरी मोहाना और बर्डपुर में किया, कुल 21 दुकानों पर हम लोगों ने अभी तक छापेमारी किया, जिनमें से 5 दुकानों के नमूने सील किए गए लिए गए हैं, 3 दुकानें सील की गई और 3 के लाइसेंस निलंबित किए गए। खाद की बिक्री में, उसके दामों में, किसानों की उपलब्धता में कोई कमी ना आने पाए, इससे छोटी कार्रवाइयाँ की जा रही है, जिससे किसानों को सही रेट पर खाद उपलब्ध हो। सर इसके बावजूद भी किसानों का शोषण हो रहा है, कहीं ना कहीं 3.5 रुपये में अभी भी यूरिया बेचा जा रहा है। ऐसी जहाँ भी सूचना मिल रही है तुरंत कार्रवाई कराई जा रही है उसमें, और चूँकि इतना एक्टिव और शासन से भी इतनी कड़ाई की जा रही है, लेकिन फिर भी